हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। करने वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित में हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का हम सबको धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने की योग्य, तारीफ करने की योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने की योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएँ हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियजनों, वो इतना महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, जो हम सभी के बताने से, कहने से पहले हमारा परमेश्वर जानता है कि हम सभी को क्या चाहिए, क्या इच्छा, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजन जब दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, निश्चय मैं तेरे दुखों को, तेरे रोगों को, तेरी बीमारियों को, तेरे पापों को मैंने अपने देह पर ले लिया हूँ। यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने अपनी जान दे के साबित करके दिखा दिया कि परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान दे दी। उसने दर्द सहा। मेरे प्रियजनों, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके मुँह पर थूका गया, बेरहमी से उसको सैनिकों ने तड़पाया। मेरे प्रियजनों, बहुत तड़पाया गया यीशु मसीह को, सिर्फ हमारे कारण। जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, उसी ही के बलिदान के द्वारा हम सभी लोग आज जीवित हैं, पापों से आजाद हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यदि कोई मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करता है, यदि तुम मर भी जाएगा तो भी तू जिएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह हम सभी को अपने वचन के अनुसार जिलाएगा, जो परमेश्वर ने हम सभी से वादा किया, प्रतिज्ञा की है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह हम सभी को अजर विरास का जीवन देगा, जो कभी नाश नहीं होता है, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यदि आपकी शादी नहीं होती, अपनी शादी को लेकर टूट चुके हैं, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, घुटने टेक के परमेश्वर से बताना है, अपनी बातों को यीशु मसीह से शेयर करना है। यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों का जीव को त्यू करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप महान है पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर है पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप करुणानिधान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। मेरे पिता, आपके ना कोई तुल्य हुआ है और ना कोई हो पाएगा इस जगत में। मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, मेरे समय जो आपने मेरे पिता सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, अनंत काल का जीवन दिया है, संसार से चुना है, संसार से चुन के अलग किया है, अंधकार से हटाकर ज्योति में किया है। मेरे पिता, इसके लिए पिता यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते हैं और जानते फिर भी नहीं मानते पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर बहुत दूर चले गए होंगे पिता, वे उस गड्ढे में चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगांत उठता रहता है। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, नाम लेके बुलाया है, आपने कहा पिता, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। मेरे पिता, आपने कहा पिता, आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं पिता, आप हमें अपनी अच्छी अच्छी चराइयों में लेकर जाते हैं पिता, ताकि हम सभी पेट भर कर पिता हम पिता खाना खा सके पिता,
यीशु मसीह आपकी बढ़ाई करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। खास तौर से मेरे पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास होने के नाते मेरे पिता, ये जो मसीह भाई बहन पिता बीमार हैं पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, किसी कारणवश से पिता ये एडमिट है पिता, बुखार है, कैंसर है, गिल्टिया रसोलिया पथरिया पर पिता, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है पिता, और जानलेवा घातक खतरनाक बीमारी हमला करने वाली बीमारियाँ पिता के शरीरों में हैं पिता, ये रो रहे हैं यीशु मसीह आपके नाम से पिता, आपका चंगाई छुटकारे वाला हाथ यीशु मसीह हर एक जन को छू ले पिता, ब्लेस हो जाए पिता, वो पावर पिता, और 24 आवर्स पवित्र आत्मा छू लीजिए, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी छू लीजिए पिता, पवित्र आत्मा जी आप छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है, जो कमाने वाले नहीं पिता, जो गरीब है पिता, गरीबी में जूझ रहे पिता, प्रभु इनके आंसू को, इनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को यीशु मसीह आप दूर करें पिता, आप दूर करने वाले परमेश्वर पिता, आप यहोवा जो और परमेश्वर मेरे पिता, मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, ढूंढते खटखटाते हैं तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनके घरों के ऊपर पिता आशीष एवं डेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए पिता, गरीबी दूर हो जाए पिता, ये बहुत सारी जातियों को उधार देने बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरे पिता प्रार्थना करते हैं, जिन घरों में दुष्ट आत्माओं के बाड़े बंधे हैं, हर गंदी बदुरी चले दुष्ट आत्माओं के बंधन है, हर करधरा के बंधन है, हर जादूटना के बंधन है, यीशु मसीह आपके नाम से बंधन जल जाए पिता, हर गंदी बदुरी चले दुष्ट आत्मा इनके जीवन से, इनके घर से, इनके लाइफ से, इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से वे जल जाए पिता, वे भाग जाए इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके घरों से, यीशु मसीह आपके पवित्र एंजलों का बाड़ा बांध देते हैं, आपके एंजलों का बाड़ा बांध देते हैं, लाखों संख्या में आपके एंजल पिता सेवा टहल करने पाए यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध देते हैं पिता, आपके पवित्र लहू की छाप लगा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, गंदी बदुरी चाले पिता इनके आसपास ना भटकने पाए, दुष्ट आत्मा इनके आसपास ना भटकने पाए पिता, मेरे प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता, आपके नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्मा कांपती हैं पिता, उनकी औकात नहीं पिता कि आपके सामने खड़े रह सके पिता, आप छू ले पिता, मेरे पिता जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आपसे बता रहे हैं पिता, अपने दुखों को यीशु मसीह आपसे शेयर कर रहे हैं पिता, बता रहे हैं पिता, आप इनके आंसुओं को पोछिए पिता, उनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानियों को, बीमारियों को यीशु मसीह आप जड़ से खत्म कर दीजिए, जड़ से पिता इन्हें धो दीजिए पिता, हर पापों से, गुनाहों से पिता दूर कीजिए पिता, पापों को क्षमा कर दीजिए मेरे पिता, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ़ करें पिता, आप क्षमा करें पिता मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता, आपका चंगाई वाला हाथ, दे वाला हाथ पिता हर एक जन को छू ले पिता, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए पिता, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता, जिन्हें संतान चाहिए, पुत्र चाहिए पिता, उन्हें संतान दीजिए पिता, क्या कारण है, क्या समस्या, क्या कारण वास से पिता हम नहीं जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप जिस प्रकार से सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में पिता, इसी प्रकार से पिता इन बहनों को भी बच्चे दीजिए पिता, जिन बहनों को चाहिए पिता, आप जानते हैं पिता किसको क्या चाहिए पिता, हम तो मानव जाति हैं पिता, मेरे प्रभु आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते, यश हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मेरे पिता, आपने महान आश्चर्य काम किए पिता, आपने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, कोढ़िया पाइजों को शुद्ध किया, पैरों को सुनने की सामर्थ्य दिया, अंधों को देखने की सामर्थ्य दिया, दृष्टि दिया पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पिता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है पिता वो आपसे हो सकता है मेरे पिता, मेरे प्रभु इनके जीवन में काम करे पिता, इनके जीवन को बदल के रख दीजिए पिता, परमेश्वर पिता आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता हम प्रार्थना करते, जो मसीह भाई बहन पिता रात में नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है प्रभु, जब लेटे शु पापा तब निस्सु के नींद दीजिए पिता, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब से सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे पिता, आपने कहा है प्रभु, मुझे आशा विश्वास है पिता, परमेश्वर पिता आपने प्रार्थना को सुना है, छोटे से मित्र उद्धार करता है, मसीह के मीठे और पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।